तो गाइस अगर तो आप 2019 के अंदर एक यूट्यूब अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उस अकाउंट ओपन करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, या फिर अगर तो आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है यूट्यूब के पूरे क्राइटेरिया में। तो गाइस इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होना लाजमी है या एक यूट्यूबर्स के लिए लाजमी है, और ये भी बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके यूट्यूब चैनल में कैसे मदद कर सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आ जाते हैं YouTube ऐप की तरफ। फर्स्ट नंबर पे आ जाती है YouTube ऐप, जो से गाइस हर एक यूजर्स के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है। इससे गाइस बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ से एक वीडियो यानी कि अपनी चैनल के लिए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप यहाँ से कोई वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं जो से आम लोग करते हैं। उसके बाद गाइस दूसरे नंबर पे आ जाती है क्रिएटर स्टूडियो। इससे गाइस ये होता है कि अगर आप क्रिएटर स्टूडियो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो गाइस आप क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू अपने YouTube के वीडियोस के थंबनेल आप चेंज कर सकते हैं और रैंकिंग वगैरह भी देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो के ऊपर ज़्यादा ऑडियंस आ रही है। तीसरे नंबर पे गाइस आ जाता है एक ब्राउज़र, जहाँ से गाइस आप अपने YouTube को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर सकते हैं। चाहे गाइस आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर लें या यूसी ब्राउज़र, आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। और गाइस चौथे नंबर पर आ जाता है थंबनेल, कि आप थंबनेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या कौन से सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए गाइस दो सॉफ्टवेयर जो से है वो ज़्यादा ऑफिशियल है। पहला सॉफ्टवेयर है पिक्स आर्ट और दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर आ जाता है पिक्सल लैब। आप इन दोनों में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और गाइस पांचवें नंबर पे आ जाती है वो एप्लीकेशन जिससे गाइस आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर डायरेक्टर हो गया, काइन मास्टर हो गया, या फिर फिल्मोरा हो गया, जो आप मोबाइल के ऊपर एक ईजिली ऐप यूज़ कर सकते हैं, एक एंड्रॉयड ऐप, एक एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। छठे नंबर पे गाइज आ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर तो गाइज अपनी आप फेस कैम वीडियो नहीं बना रहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेस कैम वीडियो बना भी रहे हैं फिर भी गाइज आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत लाजमी पड़ सकती है स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की। इसके लिए गाइज आप डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आ जाता है थंबनेल डाउनलोडर। इससे गाइज ये होता है कि अगर आपको किसी का थंबनेल पसंद आ गया है तो आप उस थंबनेल को डाउनलोड करके अपनी वीडियो के ऊपर ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन गाइज आप उस जैसा थंबनेल एक क्रिएट कर सकते हैं। बेशक गाइज आप स्क्रीन शूट भी आप कर सकते हैं, लेकिन गाइज जो सा थंबनेल रिकॉर्डर की जो सी एक पूरी क्या कहते हैं रेजोल्यूशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी, जिससे गाइज आप किसी चीज़ को वहाँ निकाल भी सकते हैं, उसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं। ये गाइज जो सा थंबनेल डाउनलोडर है ये तो अक्सर इस्तेमाल कभी कभार इस्तेमाल होता है, लेकिन गाइस इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत लाजमी पड़ जाती है। उसके बाद गाइस सॉफ्टवेयर आ जाता है कीवर्ड टूल्स का, जो गाइस आपकी वीडियो को एक ट्रेंडिंग टैग प्रोवाइड कर सकता है, एक ट्रेंडिंग टैग जो सा है वो आपके लिए फाइंड कर सकता है, जिसके ज़रिए गाइस आप अपनी वीडियो को रैंक के ऊपर ला सकते हैं। और गाइस सेकेंड लास्ट पर आ जाती है एक एप्लीकेशन टैग यू के नाम से। ये गाइस बेसिकली करती क्या है, इससे गाइस ये होता है कि अगर गाइस आपको कोई वीडियो पसंद आ गई है या गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ है तो आप चाहते हैं कि इस वीडियो के मैं जो से है टैग्स चेक करूं और टैग्स कॉपी कर सकूं या टैग्स देख सकूं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ हुए हैं, तो गाइस इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो के लिंक अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर पेस्ट करते हैं तो गाइस उस क्रिएटर ने जितने भी टैग इस वीडियो के अंदर ऐड किए होंगे वो गाइस सभी टैग्स आपके सामने आ जाएंगे। और गाइज लास्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन आ जाती है उर्दू कीबोर्ड के नाम से। ये गाइज आपके थंबनेल को जो से क्रिएट करने में आपकी मदद देगी। अगर गाइज आप उर्दू थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काम कर सकती है। अगर गाइज आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन गाइज उर्दू कीबोर्ड कभी कभार काम आ जाता है। तो गाइज ये थी 10 एप्लीकेशन। इन 10 एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो गाइज आप वहाँ से जाके इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन में भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की नई वीडियो मिलती रहे। तो इस अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।